जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बेहतरीन जीत के बाद यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव में जीत की ओर एक और कदम बढ़ाया है। यूपी बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बंपर जीत हासिल की है। सीएम योगी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 635 पर जीत हासिल कर ली है। 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 735 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 4 अपने सहयोगी दलों को दिए थे और 76 सीटें ऐसी थीं जहां दोनों प्रत्याशी भाजपा के ही थे। कुल 90 सीटें ऐसी थीं जो खाली छोड़ी गई थी। इनमें 14 वो जो अपने सहयोगी दलों को दी गई थी और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पर भाजपा के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर चुके थे। 735 प्रत्याशियों को भाजपा ने अपना समर्थन दिया। अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं उनमें अपने सहयोगी दलों और सभी समर्थकों के साथ 635 से ज़्यादा सीटों के साथ भाजपा विजयी बन चुकी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कड़ी में शुक्रवार को राज्य में 349 क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध चुने गए, जबकि 476 पदों के लिए शनिवार को वोटिंग हुई। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने दावा किया था कि निर्विरोध चुने गए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों में 334 भारतीय जनता पार्टी के हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धांधली करने और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे विधायक थे जो सीएम योगी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बंपर जीत के बाद सीएम योगी ने सबकी बोलती बंद कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 67 जिलों में बीजेपी का परचम लहराया था और अब ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 635 पर जीत हासिल कर ये संकेत दे दिया है कि 2022 हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में बीजेपी की जीत पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने योगी सरकार की नीतियों और योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा है कि योगी सरकार की नीतियों और योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित होता है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। इस जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर विकास और सुशासन का राज्य स्थापित किया गया है। यही वजह है कि प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भाजपा लगातार विजय हासिल कर रही है। ये जीत भाजपा की नीतियों पर जनता की मुहर है। खैर, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जीत के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। बाकी पार्टियों को यह संकेत दिया है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। विपक्ष को और तैयारी करने की ज़रूरत है।